शादी का महोत्सव स्वागत है 16 में भोपाल में महोत्सव में। आप सभी जानते हैं कि 24 से 27 मार्च यानी 4 दिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ हमने 24 तारीख से किया, जिसमें पहले दिन आपने देखा भोपाल थिएटर की प्रस्तुति छोटी बड़ी बातें अच्छी है। कल का दिन चरणदास चोर के लिए मुकर्रर था और आपने भरपूर आनंद इस नाटक का उठाया, ये हम बखूबी जानते हैं। आज तीसरे दिन अब से थोड़ी देर बाद सप्तक कल्चरल सोसाइटी रोहतक यानी हरियाणा की प्रस्तुति होगी गधे की बारात, और कल अंतिम दिन जबकि विश्व रंगमंच दिवस पूरी दुनिया मनाती है उस दिन को ध्यान में रखते हुए दास्तान तानापुर की प्रस्तुति यहाँ पर होगी, जिसे पाहुना लोकजन समिति टीकमगढ़ ने तैयार किया है। ये 4 दिवसीय आयोजन हमने समर्पित किया है पहले की दो महाविभूति जिन्हें हम पद्मश्री गुरुवर्धन जी और स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी के नाम से जानते हैं, और ये दोनों ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने पहले को असीम ऊंचाइयां प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगातार आप व्यंग्य की विधा में सक्रिय हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज नव नृत्य नाट्य संस्था के समारोह की तीसरी संध्या में हमारे बीच है। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मलयजन साहब का और कार्यक्रम की बहुत बधाई श्री मलयजन, जोरदार तालियां एक बार और। अपनी व्यस्तताओं के बाद भी कुछ समय कलाकृति निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि ही कहा जाएगा, और मलय जी आज कुछ ऐसी दो छोटी छोटी प्रस्तुतियों के हमारे बीच लेकर आए हैं। आज की पहली व्यंग्य प्रस्तुति है वैद्य रगड़ची और चिपका वायरस, और उसके बाद हेलीकॉप्टर में पारा। तो आज थोड़ी देर बाद गधे की बार आते हैं, लेकिन उससे पहले हेलीकॉप्टर में पारा। तो स्वागत करते हैं मलयजन साहब का। बहुत धन्यवाद आपका, पूरे 2 साल बाद आपकी शानदार आवाज़ जिसके हम लोग दीवाने रहे वो सुनने में मिल रही है, और एक बार फिर ये माइक है और आप लोग हैं, तो आप सभी का स्वागत। 2 साल कोविड ने, कोरोना ने हम सभी को बहुत रगड़ा, और उससे भी ज़्यादा रगड़ा उन लोगों ने जो कि व्हाट्सएप पे रोजाना हमको तरह तरह के काढ़े के उपचार बता दे रहे। तो ऐसे ही एक वैद्य जी हैं, वैद्य रगड़ जी, और उनका चिपका वायरस। अभी अभी रगड़ जी ने एकदम नया और अद्भुत संदेशा हमारी वॉल पे चिपकाया है। इस दफा ये संदेशा कोरोना वायरस से बचाव को लेकर है। अच्छा, पहले तो ये कि यदि आप रगड़ जी को नहीं जानते हैं तो जान लें, हम बताए देते हैं कि आप भी याद करोगे कि शहीद भवन में कुछ बताया था। तो भाई साहब, उपचार के तरीकों की खोज में रगड़ जी रात दिन मोबाइल को रगड़ते हैं। उनके गूगल निकेतन के आगे शांति निकेतन भी फेल है, एंड वैसे ही जैसे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आगे ऑक्सफोर्ड, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, ये सब फेल होते हैं। तो बगैर कोई डॉक्टर या वैद्य ही पढ़े वो सारी पैदियों को ठेंगे पे धरते हैं और चुटकियों में हर मर्ज का उपचार बताते हैं। तो भाई साहब, सच बताएं तो हेपेटाइटिस से लेके निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्गोवोस केनोकोनियोसिस तक का इलाज है उनके पास। वो ना गूगल पर गुजराती, बंगाली, अफगानी, अराकानी और यूनानी पद्धति के इलाज बिल गिजा और इलाज बिल दवा टाइप के तमाम नुस्खे चपेटते हैं, तब अटन की टटन में और टटन की अटन में कूट कर अपना एक मौलिक नुस्खा बताते हैं, और फिर खट से व्हाट्सएप पर ऐसे चिपकाते हैं कि आप भी क्या अच्छे अच्छे डॉक्टर गच्चा खा जाए। अच्छा, मजे की बात तो ये है ना कि उनकी निगाह में दुनिया के हर मर्ज के लिए वायरस ही जिम्मेदार है। आपको एक किस्सा बताएं, एक दफा क्या हुआ, ऑफिस में हमारे 2-4 बाबू लेट आए, रगड़ जी वहीं पर बैठे चाय समोसा सूंत रहे थे। हमने बाबुओं की लेट लतीफी को थोड़ा सा पढ़ी लिखी भाषा में या ज्ञान बताने वाली भाषा में इसको कहा कि ये तो एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ सिंसियरिटी सिंड्रोम है। अब भाई साहब, रगड़ जी एकदम चहक कर कहने लगे, यार ये तो बीमारी है, इसके पीछे की वायरस का हाथ है, और लगे यार उपचार के लिए प्याज के रस और कपूर की धुनी सजा बैठे। आपको अब क्या बताएं, रगड़ जी एक मनो रगड़ कथा अनंता, दुनिया भर के वायरसों पर उनका अधिकार है। यू मानिए कि वायरसों को उनकी नहीं, उन्हें वायरसों की ज्यादा प्रतीक्षा रहती है। यही तो कारण है कि वायरस का प्रकोप चाहे कोरिया में हो, चाहे जनाटोरिया में, बुर्किना फासो में हो या ओलन बटोर में, वो उसे रगड़ने के इतने सारे के तरीके बटोर लाते हैं कि यार वायरस भी कंफ्यूज हो जाता होगा कि यार गजबे है, ऐसी भयंकर नाकेबंदी तो दुनिया में नहीं देखी, अब भारत में घुसे भी कि ना घुसे। तो अभी और सुनिए, जीका, निपाह, एबोला, ये तो सब आपने सुने ही होंगे।
तो जी का बी का निवाह इवाह इबोला बिबोला H1N1 जैसा कैसा भी खतरनाक वायरस क्यों ना हो, ऐसा कोई वायरस ना होगा जिसे उन्होंने तबीयत से अपने कीपैड पर रगड़ा ना हो और उस पर कहर बनकर टूटे ना हो। व्हाट्सएप पर इन वायरसों पर कहर बरपाने के लिए उनके स्टॉक में कुछ सलाहें तो एकदम रेडीमेड हैं। मसलन दूर रहना, हाथ ना मिलाना, गले ना मिलने जैसी सलाहें वो बोल्ड अक्षरों में भाई साहब ऐसे देते हैं कि हमें तो लगता है कि WHO कल ही हार फूल उनके गले में डालने के लिए दौड़ना पड़े। उनका R&D मतलब शोध बोध इतना प्रबल है कि वायरस चाहे HIV क्यों ना हो, बचने के लिए पहली सलाह यही होती, ध्यान दीजिएगा कि वायरस चाहे HIV ही क्यों ना हो, बचने के लिए पहली सलाह यही होती कि हाथ ना मिलाना, वरना वायरस हाथों हाथ इधर से उधर चल पड़ेगा और आप संक्रमित हो मदद के लिए टापते रह जाएंगे। उनका बस चले तो 4 नग लौंग और 5 पत्ती तुलसी के दम पर HIV के गढ़ में पूछ जाएं। टाट में 1 गांठ हल्दी और दांत में 1 नग मुलेठी दाब के ना हेपेटाइटिस को नाथ दें। जैतून से चीका को पछाड़ दें और सेंधे नमक के बूते निपाह को निपटा दें। अच्छा, कई दफा तो वायरस का नाम सुनकर ही वो ऐसे उत्साह से भर गए कि स्टॉर्म वन ट्रोजन हॉर्स जैसे कंप्यूटर के वायरस को भी पेट के चिन्हनों और घोड़ों की लीद से फैलने वाला वायरस बता के इलाज के लिए गौमूत्र और धतूरे का काढ़ा पेल बैठे। हमने उन्हें टोका कि भैया रगड़ जी, जब ये बात कछू ऊंची ना रगड़ गई। वो पीछे नहीं हटे, कहने लगे मले बाबू, वायरस तो वायरस होता है, चाहे आदमी को लगे चाहे कंप्यूटर को, सो और कछू नहीं तो कंप्यूटर के आसपास नीम का धुआं तो करनी चाहिए अपन को। इस बार दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए उन्होंने पुराने सारे वायरसों के उपचार निचोड़ कर उनकी अपनी भाषा में एकदम ओरिजिनल नुस्खा तैयार किया है, जो व्हाट्सएप वीरों की वरेण्य विद्वता से वायरल हो चुका है। वायरल हुए इस विचित्र उपचार पर अपन तो सिर पीटने के लिए मजबूर हैं। यो हमने शुरू में कहा था कि आप वैद्य रगड़ जी को ना जानते हो तो जान लें, कौन जाने कल को उन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल जाए। कम से कम अपनी वायरल होती विलक्षण वायरोलॉजी पर उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है, इसलिए फिलहाल गूगल को रगड़कर वो नोबेल फाउंडेशन को ही खोज रहे हैं। ये और बात है कि खुद हम और उनसे संक्रमित कई लोग उन्हें चिपका वायरस मानकर उनसे मुक्ति का उपाय खोज रहे हैं। हो सके तो आप भी उनसे बच के ही रहना, क्या पता आपके अगल बगल की सीट पर ना आके बैठ गया। एक दूसरा भी है, आप सुनना चाहेंगे? वैसे आप मना भी करेंगे तो माइक नहीं छोड़ूंगा, 2 साल बाद मिला। तो जैसा कि आपको बता ही दिया कि आज बारातों का टाइम है, अभी गधे की बारात है। मुझे नहीं पता गधे की बारात वो पैदल चल रही है बैलगाड़ी पे, लेकिन मैं जिस बारात का किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो चील गाड़ी में, और उसका शीर्षक है हेलीकॉप्टर में बारात। तो शब्दों के साथ साथ दृश्य की कल्पना करते चलेंगे तो आनंद आएगा। चमचमाती कारों के बेड़े में दुल्हन को लेकर बारात गांव के बाहर खेत पे आ पहुंची है। भारी चिल्लपों के साथ खेत के चारों ओर गांव के लोगों की भीड़ है और अंडी बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस भीड़ का हिस्सा है। खेत जो बगल में है उसको खूब ठोक पीट कर पक्का किया गया है। गचागच गोबर से लीपकर हेलीपैड मान लिए गए इस स्थान पर एक हेलीकॉप्टर शोभायमान है। बारात इसी हेलीकॉप्टर से जाएगी। दूल्हा, नई नवेली दुल्हन, दूल्हे के माँ बाप सबसे आगे खड़े हैं। बारात के रूप में यही 4 जने उड़ने के लिए तैयार हैं। ब्याह के पूर्व की टर्म एंड कंडीशन प्रथा के तहत दूल्हे की जिद पर BMW नाम की एक लंबी गाड़ी उन्हें पहले दी जा चुकी है। दूल्हे का बाप जो है वो बड़ा प्रगतिवादी है, गांव और देश की बदलती तस्वीर देखना चाहता है। ऊंची सोच के साथ वो नाक को भी पहाड़ सी ऊंचाई देना चाहता है। उसकी जिद है कि बारातियों का स्वागत पान पराग से भले ना हो, लेकिन साहब विदाई वायुमार्ग से ही होनी चाहिए। नई नवेली बहू का चरचराट है इतना तो कि तीनों लोगों तक खबर जाए। तो लड़के वालों का क्या है ना, इससे तो मान तो बढ़ेगा लड़की के बाप का ही। सो लड़की का बाप जो है भारी मन से उतना ही भारी भाड़ा चुकाकर हेलीकॉप्टर कर लाया है। अब दूल्हे का परिवार जो है वो उसका सारा परिवार कुछ ना कुछ काटता है। बाप का एक पैर राजनीति में तो दूसरा ठेकों में, वो लीज पे पहाड़ काटता है तो लगे हाथ मजदूरों का पेट भी काट लेता। दूल्हे की माँ चांदी काटती है और दूल्हा, आप कहोगे दूल्हा क्या काटता है, तो साहब दूल्हा जो है वो सिर्फ समय काटता है। दूल्हे की माँ यूं तो दकियानूस है, बेटे की बारात में माँ का जाना ठीक नहीं मानती, लेकिन अभी वो आधुनिक सिर्फ इस ख्याल से हो गई है कि समधी के खर्च पे चील गाड़ी में उड़ेगी। यही कारण है कि वो न केवल बारात में आई है
वरन बैकलेस चोली और लो वेस्ट घाघरे में अपनी गगरिया सी तोंद को बाहर पटक पटक कर चरवी के चतुर्दिक पहाड़ खूब झटक 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 कर नाची लिए। दूल्हा अपने माँ बाप और दुल्हन समेत हेलीकॉप्टर में सवार हो चुका है। उड़न खटोले में बैठते दूल्हा और उसके माँ बाप के दिल पल्लियों चल रहे हैं, मगर हेलीकॉप्टर के ऊपर उठते ही कलेजा मुंह को आने लगा है। माँ बेटा ने रेवा मैया का जाप करते एक दूसरे को थाम लिया है। हवा में आकर अब थोड़े से वो संयत होते हैं, थोड़े से नॉर्मल होते हैं, आनंद से बाहर झांकते हैं। चींटी से देखते लोग और खिलौनों से गाड़ियां, वाह मुंह से निकलता है। अब दूल्हा पायलट की ओर देख के लड़ जाता है, अंकल जी हवा में का कलाबाजी खिलवाओ ना। पायलट अंकल मुस्कुराता है, आए दिन बराते ले जाता है आजकल, उसे ऐसी मूर्खताएं सुनने की आदत पड़ गई है। मगर दूल्हे का बाप जी पड़ता है, अभी क्या कह रहा है पागल हो गया, पिछली बार तूने जीप को कैसी कलाबाजी खिलाई थी भूल गया, एकदम पलटा ही दिया था। तो दूल्हा खीसे निपोड़ देता है, उसे याद है कि कैसे उसने जीप को कलाबाजी खिलाई थी और कलाबाजी खिलाते में मजदूरें पलटकर उसकी गोदी में आके गिर पड़ी थी। दुल्हन उधर दुबा के शांत बैठी है। दूल्हा चाहता कि यार हवा में एक कलाबाजी खिले तो दुल्हन वैसे ही गोद में आ गिरे, कितना मजा आए। गांव पास आ रहा है, दूल्हे का बाप चाहता है कि गांव को ऊपर से देखे। भैया ने कीतरपन से हेलीकॉप्टर मुड़का के ना ले चलो। वो हेलीकॉप्टर मुड़वाता है, फिर पाता है कि बचपन का मेरा गांव कितना बदल रहा है। उसका अपना ऊपर से जब देखता है तो उसका अपना दिमाग कलाबाजी खा जाता है। पहाड़ एक चौथाई तो काट डाला, कुछ साल में साफ ही कर देगा। हगिया तालाब पूर कर वहाँ बढ़िया अटैच टट्टी वाले घर बना दिए, अब आगे जो है नदी पे नजर डालेगा। बस एक दफा रेत का कारोबार और हाथ आ जाए तो रेवा मैया की पहाड़ जितनी ऊंची प्रतिमा बनवाई जाए। इधर दूल्हे की मैया के दिमाग में कुछ और चल रहा, वो चाहती है कि काश ये चीलगाड़ी अपनी हो जाए। कहे ड्राइवर साहब ये चीलगाड़ी कितने की आती होगी, वो जानना चाहती है। बहुत महंगी, सुन के वो पति की ओर घूमती है। क्यों जी ये पहाड़ पूरा कट जाए तो हम नहीं ले सकते ऐसी चीलगाड़ी। दूल्हे का बाप विचार में पड़ता है, क्या बात कही पगली, जीप ट्रैक्टर डंपरों के अलावा इतनी ऊंचाई तक तो अपनी सारी सोच गई नहीं आज तक। वो अपनी टुच्ची सोच पर लज्जित होता है। हालांकि दूल्हे की माता की सोच बहुत ऊंची है, वो जानती है कि पहाड़ कटने में भी तो बरसों लगेंगे, इतना लंबा इंतजार करे कौन। उसके दिमाग में तो फौरी उपाय है, वो झट सरक के लाड़ले दूल्हे को लाना देती है। लल्ला तुम ना एकदम ही गधा हो, तुमने अपनी जिद में ना फालतू में इतनी लंबी कार मांग ली, गांव के कीचड़ खसा में खचा में साइकिल तो फंस पास जाते, आज हवट्टा सी इतनी बड़ी कार लेके कितने जाओ तुम। लल्ला चिढ़ते हैं, यार मम्मी हम क्या साइकिल मांगते उनसे। अरे साइकिल नहीं ऐसी चीलगाड़ी मांगनी थी, वो कहना तो फुसफुसा के चाहती है लेकिन हेलीकॉप्टर की गड़गड़ में भी आवाज बहू के कानों तक चली जाती है। अब दूल्हे की माँ जो है वो पति की तरफ खिसकती है, सुनो जी तुम ऐसा काहे नहीं कर लेते, समधी जी को पटिया लो ना, पहली विदा में एक चीलगाड़ी दे दें बस, फिर कछु नहीं चाहिए अपन को। पति के कान में ज्ञान घूम के वो नीचे झांकती है जहां बदलते भारत की तस्वीर देखने ढेरों रिश्तेदार और गांव वाले जमा हैं। भीड़ आसमान में चक्कर काटती इस चीलगाड़ी को देख के तालियां पीट रही है, पहले बैलगाड़ियों फिर ट्रैक्टर ट्रालियों और इसके बाद जीप कारों में जाती बारातों के बाद आज वो दिन आया है जबकि बारात गांव में हेलीकॉप्टर से आके इतिहास बना रही है। उत्साही युवा मोबाइलों से वीडियो बना रहे हैं तो आसपास के मीडिया वाले भी कैमरे आसमान में उठाए चक्कर काटते इस हेलीकॉप्टर की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गांव में विकास का नया आयाम उतर रहा है। दूल्हा उसका बाप और माँ छाती फुलाए देख रहे हैं इस अद्भुत दृश्य को, यों नजरें नीचे की दुल्हन भी देख रही है चील गाड़ी में बैठे इन गिद्धों और बदलते भारत की तस्वीर को, सोच रही है बैलगाड़ी से चील गाड़ी तक के सफर में बहुत कुछ बदल गया लेकिन गिद्ध तो आज भी वही है। थैंक यू। अरे जी लिखिए थोड़ा सा, ताली एक बार और बजा दीजिए। शामिल थी, अब आपको चिंतन करना है, उस पर हंसना भी है और कुछ सोच विचार भी करना है। तो मनोज जी का एक बार फिर से मंच पर स्वागत है और नवनृत्य नाट्य संस्था के सचिव श्री तरुण दत्त पांडे जी से मेरा अनुरोध है कि आपका स्मृति चित्र और पुष्प गुच्छ से अभिनंदन करेंगे। म
मंच पर मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ आज यानी गद्दी की बारात नाटक के निर्देशक श्री विश्व दीपक त्रिखा जी को भी, और तरुण जी से अनुरोध करता हूँ कि उनका भी स्वागत करें श्री विश्व दीपक त्रिखा जी। हमारा सवाल है कि आज रोहतक की प्रस्तुति को देखने का मौका भोपालवासियों को मिल रहा है और ये गधे की बारात के कई बहुत सारे बच्चों पर मंच हो चुके हैं, आपसे थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर इस सभागार में बैठने का आनंद दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया विश्व दीपक त्रिखा द्वारा निर्देशित और सब तक कल्चरल सोसाइटी रोहतक की प्रस्तुति गधे की बारात। मौत की कनकरी में रजाई की गरमाई का सुख भोग सकूं,
भाई मैं खैरा जाति का तुम्हारा, हम मिट्टी का आदमी, मिट्टी में रहता हूँ, मिट्टी का खाता हूँ और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। जिंदगी में रत्ती भर सुख नहीं होगा मेरे। अरे बीबी से कहता हूँ कि खाना दे तो कहती है पहले चढ़ेरा चल रहा फिर खाना खा। अरे मुझसे ज्यादा तो गधों का ख्याल रखती है वो। अरे बापरे आया था अपने गधों को ढूंढने, अरे यहाँ लगा वो तो अपनी राम कहानी सुनाने, पता नहीं कहाँ चलेंगे मेरे। अरे ओ गधो, अरे ओ गधो, अरे किसी का खेत वेत चढ़ गए तो और स्यापा। अरे ओ गधो, ये रे। नहीं नहीं भैया, इनकी शक्ल तो मेरे गधों से मिलती है लेकिन ये है नहीं, अबे कहाँ चले गए। अरे ओ गधो, गुरु अरे मंडल मठोक वनस्पति। अरे ओ मूर्ख,
आया हूँ। पर मैं तुझे कौन सा मंत्र दूँ? जंतर मंत्र। जिसके अंतर में उपरोपकार की भावना उसी को दिया जाता है मंत्र। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। गांधी वादी लगता है। ठीक है बेटा कल्लू, मैं तुझे दीक्षा दूंगा। अरे बेटा कल्लू, ले लो दीक्षा और मांगो भिक्षा। अरे पीछे पीछे बोल। बोल क्या बोल रहा है? और धन को वमन जान। 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 और नारी माता समान। और नारी मात। नहीं नहीं बाबा, ये पर धन वमन जान तक तो ठीक है, पर ये पर नारी माता नहीं नहीं नहीं। अगर कोई खुद बुखुद चल के आए खूबसूरत चमक चल लो तो पकड़ के उसके दोनों चल 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 आए। इतना लंबा चोगा अंदर कुछ है क्या? अरे तूने मुझे समझ समझ रखा है क्या? नहीं साईं बाबा चल दे मंत्र। कान इधर ला, अभी फूंकता हूँ मंत्र। ऐसा तो शास्त्रों में भी लिखा है। पर तू आ जाएगा कैसे? जैसे तू जाएगा मैं तो दिन
दिखा रहे हैं जिसका नाम होगा लेट कमीशन। नारायण 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 नारायण। कल जो आज बस तेरी वजह से लेट हो गया। कब तेरेगी? क्या यही है स्वर्ग? आज इसमें इंद्र सभा, जैसे राज्यसभा लोकसभा। बाबा ये आता पार्लियामेंट हाउस है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो कल जो। बाबा तू यहाँ का एमपी है ना? हाँ एमपी एमपी है। कल जो मेरी शेख चिल्ले वाली हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। मैं तेरा गुरु, जैसे मैं कहूँ तुझे वैसे करना होगा। ठीक। सबसे पहले तो बेटा तुझे शांति रखनी होगी। जा जा शांति तू रख, मेरी तो गंगी भरी। हाँ अरे शांति का मतलब होता है अमन। अमन यू मीन पीस? उसे डालो कबूतर की चोंच में। जीते रहो दूध उड़ाओ कुतो पलो। कल्लू पापा ये कौन है? ये यहाँ का द्वारपाल है। यू मीन चपरासी? अरे चपरासी नहीं, अंगरक्षक, सुरक्षा अधिकारी। ओ सिक्योरिटी वाला। पर बाबा इसके हथियार कहाँ है? देवाधिदेव के कहने पर इन सबके हथियार जब्त कर लिए गए हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम है, एकदम कंप्यूटराइज्ड। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। चाइना ने अपनी मार्केट यहाँ तक भी पहुंचा दी। अब बाबा जब सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है तो फिर इन अंगरक्षकों की क्या जरूरत? कंप्यूटराइजेशन की वजह से सारा स्टाफ सरप्लस हो गया है, पर हम इन्हें निकाल नहीं सकते। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इनकी यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ओ यू मीन जिंदाबाद जिंदाबाद दिल्ली का पदकोण जिंदाबाद। बात बात देवाधिदेव से कहो गुरुदेव आए हैं। कल्लू भी आया है। चुप। हर बात पे चुप। कम्युनिस्ट है क्या? गुरुदेव आए हैं? अरे तूने बाहर के लोग आए, सम्मान पूर्वक अंदर रह गया। चलिए अबे तूने मुझे क्यों रोका? ये इंद्र सभा है, कोई धर्मशाला नहीं। ज्यादा बोलेगा तो मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। अबे तू यहाँ खाली खड़ा खड़ा लोगों से पंगे मोल लेता रहता है, यहाँ तेरी वैल्यू भी क्या है? बहुत वैल्यू है मेरी यहाँ। बहुत बहुत कैसी? बहुत वैल्यू है बस। न्यू सेंस वैल्यू होगी? हाँ न्यू सेंस वैल्यू है मेरी। विचित्र जंतु कौन है? यही है हमारा शिष्य, आपका
वाह बच्चा, ये रंभा कौन है? अप्सरा। ये हम क्या करती है? देवी देवताओं का मनोरंजन करती है। कैसे कैसे? नृत्य करती। वो अपनी कोठे वाली भाई जी की तरह? अरे कोठे वाली के ये यहाँ की मशहूर नृत्यांगना है। ओ, अपनी माधुरी दीक्षित जैसी। मेरा माधुरी के पिता हुसैन बाबा। ये तो बहुत खूबसूरत है ना? इसकी शादी हो गई क्या? शादी? शादी नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं। तू कैसे शादी? मैं नारायण नारायण। फॉर्मूला 44
हाँ बीबी नरम हाँ तो मियाँ नरम गंगी जी गंगी जी मेरी आवाज नहीं पहचानी क्या ऐसी बहुत सी आवाजें आती हैं मेरे कानों में हाँ ऐसी बहुत सी आवाजें आती हैं अरे क्या मेरे घर में भी इंद्र का दरबार लगा था अरे मैं हूँ तेरा पति पति मैं तो होने वाली नहीं सती तुम्हें तो मेरा मंदिर मिलता मंदिर मंदिर और नहीं तो क्या शंकराचार्य ने तो बहुत कहा जा हो जा सती अरे वो तो एन वक्त पर आकर अग्निवेश ने रोक लिया वरना तुम तो यहाँ मंदिर में घंटियां बजाते फिरते तन वैसे मियाँ तुम गए कहाँ सर क्या हाय राम मीना मरे तो स्वर्ग जाता है क्या एक बाहरी का भूत बन के आया हो ए भूत बता मेरा मियाँ कहाँ है अरे मैं भूत भूत नहीं हूँ हाँ तेरा मरत हूँ और ऐसा वैसा नहीं ऐसा का तो मैं तो सोते का कह रही हूँ सुनो जी तुम सच में ही स्वर्ग गए थे अरे सच में गया था तो मेरे अच्छा साथ अरे पाँव मच्छू क्यों अरे मुझे आशीर्वाद देना नहीं आता ना एक अच्छा सा आशीर्वाद दो तेरे बच्चे जिए तेरा खून पिए मुर्दा बोले कपट भाड़े अरे मैंने तो पहले ही कहा था मुझे आशीर्वाद देना नहीं आता सुन जी हाँ तुम्हें स्वर्ग में बहुत सारे लोग मिले होंगे अरे हाँ सबके दर्शन होंगे हाँ वो चाचा नेहरू है ना हाँ हाँ वो वहां पर बच्चे खिला रहे थे और शास्त्री जी हाँ चला रहे थे और मेरे देश आ रहे हो बिरादर दो बजोगे
गधा तो बड़ा खूबसूरत है। मुझसे भी ज्यादा? इसकी ना शक्ल तुम्हारे किसी रिश्तेदार से मिलती है। मेरे रिश्तेदार से? हाँ मेरे रिश्तेदार से। अरे मेरे साले से मिलती है। छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ूंगी। अब क्या हो गया?
छोड़नी पड़े। अब भारत जब राज्य में हर कोई आपकी बात मानता है तो बेटी तुझे भी माननी चाहिए। नहीं मानूंगी। तेरी माँ को आज इसकी माँ को बताना पड़ेगा। बेटी माननी चाहिए। नहीं मानूंगी। तेरी फोन तेरी कहा राजकुमारी की और जो
की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है। रामायण नहीं देखी क्या? और पति कब करेगा पत्नी की सेवा? महाभारत तुम्हारा शुरू होने के बाद दंगी। तो ठीक है, मैं नारी मुक्ति आंदोलन कल ही मारवाड़ी से शुरू कर देती हूँ। अरे 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 मैं खुद ही बिछा लेता हूँ चादर, आखिर गरज भी तो मेरी अपनी है। शर्त सुनी? हाँ सुनी, राजा ने तो शर्त का बीड़ा भी रखवा दिया। तो जा।